अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। इस वीडियो में मैं आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ और मैंने बहुत डिटेल में उसको समझाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का आइडिया नहीं है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। इसके अलावा अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं तो उसका भी मैंने एक अदर चैनल स्टार्ट किया है रिसेंटली, आप उस चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत बेनिफिशियल होंगी आपके लिए वो वीडियो, और उस वीडियो के थ्रू आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स करवाने से पहले मैं आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आसानी से कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको समझ में आ जाए। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है, यानी कि आजादाना हैसियत रखती है अपनी, और बहुत सारे लोग मिलकर प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और सब अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उस कंपनी के शेयर खरीद के उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, उस कंपनी के ऑनर बन जाते हैं। और जो कंपनी क्रिएट की जाती है या फॉर्म की जाती है या बनाई जाती है वो कंपनी एक्ट ऑर्डिनेंस 1984 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, यानी कि पाकिस्तान में जो कंपनी एक्ट चल रहा है वो 1984 है। तो जो भी कंपनी फॉर्म्ड हो रही है, बन रही है और उसके बाद रजिस्टर्ड हो रही है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अकॉर्डिंग, तो उसको कहते हैं कि एक कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी है। आप जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लें। कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली डेफिनेशन में से ही निकाली जाती है, जो हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं उसी को पॉइंट वाइज हमने डिटेल में पढ़ना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कुछ एडवांटेजेस भी आ जाएंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी आ जाएंगे। तो चलें फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लें कि ये क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये टॉपिक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो बी प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स। ये चार्ट आप देख लें और एग्जाम्स में अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स का तो आप ये चार्ट बना दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में या पेपर में आप अगर इस तरह के फॉर्मेट बनाते हैं या मॉडल बनाते हैं तो बहुत आई कैची होता है और एग्जामिनर आपको मार्क्स भी देते हैं, तो आपके चांसेस होते हैं आप मार्क्स इन चीज़ों से भी गेन कर सकते हैं। तो आप इस तरह से एक फॉर्मेट बना दीजिएगा। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वॉलेंट्री एसोसिएशन, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एक्चुअली एक आजादाना हैसियत रखती है, कानूनी तौर पर उसको शुरू किया जाता है और बहुत सारे लोग मिलकर उसको चलाते हैं, ठीक है, और अपनी मर्जी से जब जिसका दिल चाहता है वो बिजनेस में एंटर हो जाता है और जिसका दिल चाहता है वो एग्जिट भी कर सकता है। तो इसीलिए ये बिजनेस जो है वो आजादाना हैसियत रखता है, यानी वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है। बस ये होता है कि अगर तो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि प्राइवेट कंपनी है, तो उसके मेंबर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कम अज कम दो लोग होते हैं, दो लोगों से स्टार्ट होती है और ज्यादा से ज्यादा 50 की लिमिट्स होती हैं, ठीक है। और पब्लिक जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसमें कम अज कम 7 लोग होते हैं और मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, यानी अनलिमिटेड लोग एंटर हो सकते हैं उस बिजनेस में। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इसको मैंने डेफिनेशन में भी बताया था कि ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्योंकि ये नेचुरल बर्थ नहीं है इसकी, खुद ब खुद क्रिएट नहीं होती, ये एक लॉ के थ्रू क्रिएट की जाती है, लोग मिलकर इसको बनाते हैं और कानूनी तौर पर एक नाम दे देते हैं उसको और पूरा एक एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर करवा लेते हैं, और ये एक नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन होती है, यानी कि नेचुरल पर्सन है। जो भी इसमें इसके चार्टर में इंक्लूड होती हैं चीज़ें उसके मुताबिक कंपनी को ऑपरेट किया जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन या नेचुरल पर्सन वो क्यों है, क्योंकि वो लाइफ टाइम चलती है कंपनी और लोग ही उसे मिलकर बनाते हैं उस कंपनी को, और वो कंपनी अपने नाम से ही वो किसी पर सू कर सकती है, यानी कि केस कर सकती है, और जिसने भी उस कंपनी पर केस करना होता है वो भी उसके नाम पर करता है, और अगर कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो भी अपने नाम से करती है वो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब है कि जो कंपनी है वो उसकी एक अपनी अलग पहचान है, ठीक है, यानी बिजनेस और जो उसमें पैसा लगा रहे हैं शेयर होल्डर्स वो दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि जो कंपनी है उसका नाम एक अलग है, वो बिजनेस का नाम अलग है और जो उसके मेंबर्स हैं वो अलग हैं। तो जब कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के ऊपर कोई सू करना होता है, कोई केस करना होता है, तो वो अपने नाम से उस कंपनी पर केस करती है। इसी तरह से किसी और कंपनी ने उसके ऊपर केस करना होता है या कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो वो भी उस कंपनी का नाम यूज करेगी, ठीक है, यानी उसके मेंबर्स उससे अलग हैं, वो एक सेपरेट एंटिटी रखती है, उसकी अलग एक अपनी कॉमन सील होती है
यानी कि उसके सिग्नेचर्स होते हैं, अगर कोई कहीं पे ज़रूरत होती है उसके सिग्नेचर करने की, तो वहाँ पर कोई एक पर्सन आकर सिग्नेचर नहीं करता इस तरह से, तो बहुत सारे उसके ऑनर हैं, वो कोई भी आके कर सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ की वजह से वहाँ पर एक स्टैम्प होती है, कॉमन सील होती है, और उस स्टैम्प को यूज़ किया जाता है जहाँ जहाँ उस कंपनी के सिग्नेचर्स की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। इसमें जो शेयर होल्डर जितना पैसा लगाते हैं कंपनी के, यानी कि शेयर जितने खरीद लिए हैं, बस उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होती है। यानी उस कंपनी के ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है या कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, कोई भी मसला हो सकता है उस कंपनी के साथ, तो उस सिचुएशन में लाइबिलिटी जो है शेयर होल्डर की सिर्फ उतनी ही होगी जितना उन्होंने पैसा लगाया था, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया सोल प्रोप्राइटरशिप जो थी, अदर फॉर्म्स जो उसकी होती हैं, उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि उनको अपनी लाइबिलिटी पूरी करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक सेल करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी का यही फायदा है कि इसमें जितनी आपने जितना शेयर खरीद लिया है, बस उतनी ही आपकी लाइबिलिटी, आपने उतना ही पे करना है। यानी अगर एक बंदे ने 20,000 के शेयर परचेज किए हैं और कंपनी को लॉस हो गया है, तो शेयर होल्डर ने सिर्फ 20,000 रुपीज ही देने हैं, क्योंकि उसने उतना ही इन्वेस्ट किया था। नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। यानी कि ऑनरशिप अलग है, यानी शेयर होल्डर्स अलग है और मैनेजमेंट अलग है। और ये किस तरह से अलग होते हैं, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक मुल्क में डिफरेंट सिटी में हो सकते हैं। तो अब देखें कि वो ऑनर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अब उस कंपनी में एंटर होना है, रोज़ रोज़ आएंगे वो उस कंपनी के मैनेजमेंट देखेंगे आके, इतना टाइम नहीं है। वो कहीं दूर भी हो सकते हैं, तो इसीलिए उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैनेजमेंट कोई और करती है और शेयर होल्डर ने सिर्फ पैसा लगा के उस कंपनी के ऑनर होते हैं, प्रॉफिट के हकदार हैं वो उस कंपनी के। तो इसीलिए वो मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर वो सब आकर अपने डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस देंगे, तो जाहिर सी बात है कंफ्लिक्टराइज हो जाएगा, एक बिजनेस अच्छे से नहीं चल सकता। तो इसलिए मैनेजमेंट अलग होती है और शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है इसमें। यानी एक शेयर होल्डर है, अगर वो अपनी मर्जी से चाहता है कि मैं मजीद इस कंपनी में काम नहीं कर सकता, तो वो अपने शेयर किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, यानी कि जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं शेयर होल्डर्स, उनको दे देगा, वो सेल कर देगा, ठीक है। या फिर वो किसी न्यू शेयर होल्डर को सेल कर सकता है, यानी कि वो शेयर सेल करके जितनी उसकी अमाउंट होगी वो पैसे उससे ले लेगा। नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील सेम वही आर्टिफिशियल पर्सन में, जैसे हमने पढ़ा था कि जो कंपनी है वो उसकी एक अपनी पहचान है, उसका एक अपना नाम है, और वो अपने नाम का सिग्नेचर यूज करती है, स्टैम्प यूज करती है, साइन नहीं करने जाता कोई उसका, ठीक है। ये याद रखें आप कि कोई एक बंदा नहीं है, वो एक कंपनी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो वो उस कंपनी के एक सिग्नेचर को यूज किया जाता है, उस कंपनी के एक स्टैम्प को यूज किया जाता है, और उस सिग्नेचर को रियल पर्सन ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लाइफ, यानी कि ना खत्म होने वाली जिंदगी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कभी लाइफ खत्म ही नहीं होती, जैसे अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप होती है। तो वैसे सोल प्रोप्राइटर मैं बना चुकी हूँ, पार्टनरशिप के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई। आप चाहते हैं कि पार्टनरशिप पे बनाऊं तो मैं वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर भी। तो उन दोनों में ऐसा होता है कि जैसे बंदा मर जाता है या कोई पार्टनर को कुछ हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है वो, तो उस सिचुएशन में बिजनेस बंद हो जाता है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता, जितने भी मेंबर्स को कुछ हो जाता है, नए मेंबर्स आ जाते हैं, लेकिन बिजनेस चलता रहेगा, इसकी लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। यानी कि नए मेंबर्स आना चाहते हैं तो वो एंटर हो सकते हैं, शेयर खरीदें और कंपनी में एंटर हो जाएं, और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उस शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी के, वो अगर जाना चाहते हैं तो वो अपने शेयर किसी को और को सेल कर देते हैं, ठीक है, और इसी तरह से वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ करवा लेते हैं। इन शॉर्ट के जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो बेसिकली लॉन्ग टाइम चलती रहती है। अगर कोई पार्टनर मर जाता है, कोई पागल हो जाता है, या फिर कोई माइग्रेट कर गया है, कहीं और चला गया है, तो उस सिचुएशन में भी बिजनेस बंद नहीं होता। होप करती हूँ व्यूअर्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक भी दिया करें। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो रिक्वायर्ड है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, मैं इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि तमाम अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।